जापानियों को ताज़ा मछलियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन जापान के करीब के पानियों में कई दहाइयों से ज़्यादा पकड़ी नहीं जाती। लिहाजा जापानी आबादी को मछली खिलाने के लिए माहीगीर कश्तियाँ बड़ी होती गईं, पहले से कहीं ज़्यादा दूर जाने लगी। माहीगीर जितना दूर गए मछलियों को पकड़कर वापस लाने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगने लगा। इसी तरह साहिल तक बासी मछली पहुंचने लगी। मछली ताज़ा नहीं थी, जापानियों को जायका पसंद नहीं था। इस मसले को हल करने के लिए फिशिंग कंपनियों ने अपनी कश्तियों पर फ्रीजर लगाए। वो मछली को पकड़कर समंदर में फ्रीज कर देते। फ्रीजर की वजह से कश्तियों को मजीद दूर जाने और ज्यादा देर तक समंदर में रहने का मौका मिला। ताहम जापानियों को फ्रोजन मछली का जायका भी पसंद ना आया। फ्रोजन मछली कम कीमत पड़ती थी, तो माहिगीर कंपनियों ने फिश टैंक लगाए। वो मछली को पकड़ लेते और टैंकों में भर कर जिंदा ले आते, मगर थोड़े वक्त के बाद मछलियां सुस्त हो जाती। वो जिंदा तो रहती मगर मदहोश हो जाती। बदकिस्मती से जापानियों को अब भी इस मछली का जायका पसंद नहीं आया। चुनाचा मछली कई दिनों तक हरकत नहीं करती थी, इसलिए ताज़ा मछली वाला जायका खो जाता। माहीगीरी की सनत को एक आने वाले बहरान का सामना करना पड़ गया था, लेकिन अब इस बहरान पर काबू पा लिया गया। वो इस मुल्क में एक अहम तरीन तिजारत बनकर उभरा। जापानी फिशिंग कंपनियों ने इस मसले को कैसे हल किया? वो जापान में ताज़ा जायके वाली मछली कैसे हासिल करते हैं? मछली के जायके को ताज़ा रखने के लिए जापानी माहिगीर कंपनियों ने इस मछली को टैंक में डाल दिया, लेकिन अब वो हर टैंक में एक छोटी सी शार्क को शामिल रखते। शार्क कुछ मछलियाँ खा जाती, लेकिन ज़्यादातर मछलियाँ इंतहाई रवान दवा मुतहरक हालत में रहती। मछलियों को शार्क से ख़तरा रहता है, इसी वजह से वो मुतहरक रहती हैं और सेहतमंद हालत में मार्केट तक भी पहुँचती हैं। वो अच्छी कीमत पर फरोख्त होती हैं, खतरे का सामना उन्हें ताज़ा दम रखता है। इंसानी फितरत में भी मछली से मुख्तलिफ नहीं। एल रोन हबार्ड ने 1950 की दहाई के अवाइल में मुशाहिदा किया, इंसान सिर्फ एक मुश्किल माहौल की मौजूदगी में अजीब तौर पर काफ़ी ग्रो और तरक्की करता है। जार बर्नार्ड शार ने कहा, इत्मीनान मौत है। अगर आप मुस्तकिल तौर पर चैलेंजेस को फतह कर रहे हैं तो आप खुश हैं। आपके चैलेंजेस आपको मुतहरक रखते हैं, वो आपको भरपूर जिंदा रखेंगे। आप भी अपने टैंक में शार्क रखें और देखें कि आप वाकई तरक्की करके कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप सेहतमंद, काम उम्र और मुतहरक नजर आते हैं, तो यकीनी तौर पर आपके घर में एक अदद बीवी मौजूद है। जी हाँ, शार्क को अपनी जिंदगी में मौजूद रखिए। और ज्यादा मुतहरक, ज्यादा जवान, ज्यादा खुशहाल रहना चाहते हैं तो फिर शार्क्स की तादाद बढ़ा लें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।